नमस्कार, स्वागतम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो बिना वक्त को गवाते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल आ चुकी है, जिसमें कि इस बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ऑफर्स हमारे सामने आए हैं। यह सेल करीब 30 सितंबर तक चलेगी। मैं आपको बिकने वाले सेल होने वाले सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के लिए आपको आज बताने वाला हूँ, जो कि बेस्ट फोन टू बाय है एक बेस्ट बजट में, आपको एक बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत सारे ऑफर्स वहाँ पर अवेलेबल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इतनी खुशी भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। मतलब कुछ भी है, जैसे कि मैंने कुछ टॉप चुनिंदा स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है हर एक रेंज के मुताबिक, अंडर 10,000, अंडर 20,000 एंड अंडर 30,000। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर 10,000। अच्छा, और इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पोको, जिसमें कि सबसे पहले मैं नाम लूंगा पोको C31 का। एक लार्ज डिस्प्ले के साथ, मैसिव बैटरी के साथ मिलने वाला यह स्मार्टफोन, इसमें करीब 7,000 mAh की बैटरी लगी है। ये पोको के काफ़ी सेलिंग स्मार्टफोन में से एक है। इसको इस लिस्ट में लेने का कारण इसके ऑनलाइन रिव्यूज हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और ये काफ़ी किफ़ायती बजट में आता है। इसका प्राइस है 6,500, जिसमें आप 1 रुपये की टॉफी खा लेंगे तो आपको मिलेगा 6,499 rupees। और इसी लिस्ट में आगे है पोको M4 Pro, जो कि 9,899 rupees में आपको मिलता है। एक हीलियो G96 प्रोसेसर के साथ 64 megapixel कैमरा सेटअप। और इसके आगे हम बात करते हैं Realme C30 की, और काफ़ी बजट में आने वाला फ़ोन Realme C30 करीब 5,500 में ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल पर मिलेगा, जिसमें कि आपको यूनिसॉक का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक मिड रेंज में मिलने वाले अच्छा प्रोसेसर माना जाता है आपके बेसिक वर्क करने के लिए, जिसमें कि आपको इसमें 8 megapixel का प्राइमरी कैमरा भी मिलेगा। ये फ़ोन बहुत ही अच्छे प्राइस में है, करीब 5,500 में इस वक्त, जो कि एक अफोर्डेबल फ़ोन लेने के लिए आपके जनरल यूसेज के लिए एक अच्छा ये फ़ोन साबित हो सकता है। और अब हम बात करते हैं आगे, अपने सेगमेंट में बढ़ते हैं करीब अंडर 20,000। और अंडर 20,000 जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं अपने इस वीडियो के साथ में जिस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, जिस फ़ोन के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ उसमें आपको स्लाइडें भी दे रहा हूँ, जिसमें कि आप इसके फीचर्स को आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस लिस्ट में जाते जाते अंडर 10,000 में एक फ़ोन को और इग्नोर नहीं कर सकता, जो कि है मोटोरोला का G31, क्योंकि एक अच्छी डिस्प्ले के साथ, एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ इस रेंज में आपको मिलता है एक किफ़ायती MediaTek G85 प्रोसेसर के साथ, जिसमें कि आप आराम से अपनी गेमिंग, पबजी जैसे गेम आप आराम से अच्छे मीडियम सेटिंग्स पर आप इसमें खेल सकते हैं। मैं इस फ़ोन को रिकमेंड भी बहुत स्पेशली करूँगा, क्योंकि मैंने इस फ़ोन को यूज़ भी किया है, एक मेरे फ्रेंड के भी पास है, जो कि इसमें वो पबजी में बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको एक बहुत सारी अच्छी बात बताऊँ, मैंने ऑनलाइन अपनी रिसर्च में एक चीज़ बहुत कॉमन पाई, जिसमें कि मैंने ये देखा कि अंडर 10,000 आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल रहे हैं एक काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स के साथ। मैं यहाँ पे आपको जितने भी फ़ोन्स बताने वाला हूँ, इनके प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, अगर आप उसमें दिए हुए ऑफर्स को, कूपन्स को यूज़ करते हैं, फिर आपको और भी सस्ते दामों पर मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको उनके बेस प्राइस, जो कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल पर अवेलेबल है, इसी लिस्ट में अंडर 10,000 में आपको एक और बेहतरीन स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, जो कि मुझे लगा ये काफ़ी सेलिंग, मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में से भी एक, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो, जो कि यूनिसॉक T610 प्रोसेसर के साथ आता है, और एक मैसिव बैटरी 6,000 mAh बैटरी यह आपको प्रोवाइड करता है। 7,500 में मिलने वाला यह स्मार्टफोन आपको एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और अंडर 20,000 जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने इस लिस्ट में 3 स्मार्टफोन्स को रखा है, सैमसंग F23 5G, Realme 9 Pro 5G एंड Motorola A62 5G। और इन तीनों को रखने का कारण है, इनका जो मैंने क्राइटेरिया रखा है, तीनों को इस लिस्ट में रखने का मैंने सबसे पहले एक रीज़न जो इन पर फोकस किया है, वो ये है इनका परफॉर्मेंस। ये तीनों ही फोन परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। जब हम अंडर 20,000 जाते हैं, और जब 10,000 से जब हम अपना बजट हाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं
एक एज अ पर्सनल फीलिंग मैं भी एक परफॉर्मेंस पे, एक अच्छे फ़ोन पे जो कि काफ़ी ना किसी लैग के एक काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, हम उसी फ़ोन को परचेस करना चाहेंगे। सैमसंग F23 5G आपको करीब 12,500 रुपये में पड़ेगा और जो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। इसमें आपको एंड्रॉयड 12 मिलेगा और कंपनी ने आगे अपडेट के भी प्रॉमिस दिए हैं। वॉइस फोकस मिलता है और एक सुपर कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं मोटोरोला J62 की। ये भी एक ट्रू 5G स्मार्टफोन है। पूरे 5G के 13 बैंड आपको मिलते हैं। मोटोरोला J62 5G, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन है, इसको बनाता है। और इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट के साथ आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा जो कि इस फोन में आपको एक नियर एक तो स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। और स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस में अगर आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है कि आप समझिए बहुत ही अच्छी डील है 16,000 रुपीज़ में। और अगर फ्लिपकार्ट पर दिए गए ऑफर्स का भी आप यूज़ करते हैं तो ये आपको फ़ोन अंडर 14,000 तक मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं आगे रियलमी 9 प्रो 5G का। ये भी आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ, और सही बताऊँ मैंने इस कैमरे को यूज़ किया है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर की देता है। मुझे इस कैमरे का जो ऑप्टिमाइजेशन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस फ़ोन में आपको भी स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिलता है। इसमें भी आपको एक 5000 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है, 33 वॉट के डार्ट सुपर चार्जर के साथ फास्ट चार्जिंग कहें। और अब हम इस लिस्ट से आगे बढ़ते हैं, अबाउट 20,000 जाते हैं, अंडर 30,000 आते हैं। मतलब कहें तो 20,000 से 30,000 के बीच। अब जब बात हो रही है अंडर 30,000 की, तो इस लिस्ट में मैंने 3 स्मार्टफोन्स को रखा है, Xiaomi 11i एंड Motorola HJ30 एंड Nothing Phone 1। शुरुआत करते हैं Motorola HJ30 से। ये आपको QOLED डिस्प्ले के साथ मिलता है जो कि बेसिकली फ्लैपी होती है AMOLED जैसे की। एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले Motorola मतलब कि यूज़ करता है। इसमें आपको Snapdragon 778G प्लस 5G प्रोसेसर मिलता है। 5G के पूरे सारे मतलब कि बैंड्स आपको मिलेंगे। एक सुपर कूलिंग मिलेंगे, इन्होंने कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है अपने फ़ोन में। और ये क्लेम करते हैं कि ये इनका फ़ोन वर्ल्ड का थिनेस्ट 5G स्मार्टफोन है, जो कि ऐसा नहीं है। मेरा स्मार्टफोन Xiaomi 11 Lite Any 5G सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन 5G का है जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Xiaomi 11i की। ये MediaTek 920G प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है। 108 मेगापिक्सल कैमरा कंपनी इसमें क्लेम करती है, मतलब कि इसमें है एक अच्छी क्वालिटी की इसमें आपको पिक्चर्स आपको मिलेंगी। और का आपको इसमें सुपर फास्ट चार्जर मिलेगा और इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं ऑनलाइन और काफ़ी Xiaomi का सेल फ्लिप फोन में से एक, क्योंकि Xiaomi काफ़ी कम और एक प्रीमियम स्मार्टफोन्स बनाता है, सेलिंग स्मार्टफोन ये एक रहते हैं। अब अपनी लिस्ट में को लास्ट फोन के स्मार्टफोन की बात करके यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वो ये है इस साल का सबसे मोस्ट हाईलाइटेड फोन Nothing Phone 1। एक नई कंपनी है, वन प्लस के को फाउंडर रह चुके कार्ल पेंग ने इस कंपनी को खड़ा किया है, जो कि एकदम नए स्मार्टफोन है। इसका जो बैक है, इसका मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है, वो आप अपने दोस्तों को भी दिखा के उनको थोड़ा जेलस फील करा सकते हैं। ये आपको एकदम यूनिक बना देगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 778 5G प्लस प्रोसेसर मिलता है, AMOLED डिस्प्ले मिलती है। फोन पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको 5G के पूरे बैंड मिले। इस फोन को आप Nothing Phone 1 को कंसिडर कर सकते हैं। इसका बेस प्राइस है 30,000 जो कि आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। ऑफर लगाने के बाद ये फ़ोन आपको अंडर 27,000 भी मिल जाएगा। तो हम अब अपने इस वीडियो को यहीं पर टी एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ये सारे फ़ोन आपको इस वक्त फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में आपको मिल जाएंगे। आप जाके इसको चेकआउट करिए, बाय करिए। अगर आपको समझ में आए तो जो बेस्ट स्मार्टफोन की डील्स थी मैंने वो आपको इस वीडियो में सारी बता दी है।
एक एक करके अंडर 10,000, अंडर 20,000, अंडर 13,000 वीडियो में करनी एंड करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय, प्लीज सब सपा कर सारा खबर सपा कराए सारा सारा।